बीजेपी सत्ता में रहने के लिए किस कदर बौखला चुकी है कि हर किसी को अपने फेवर में रहने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हर कोई चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की तरह नहीं है। अब भी लोगों में इंसानियत कायम है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ले प्रेस क्लब ने बीजेपी पर पत्रकारों को रिश्वत देने के तौर पर पैसा बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मीडिया कर्मियों के लिफाफे में पैसे रखकर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता पत्रकारों को एक लिफाफा देते नजर आ रहे हैं। इस बीच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शुरुआती तौर पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पत्रकारों को घूस दिए जाने के आरोप में सच्चाई पाई है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों को लिफाफे में पैसे दिए जाने की शिकायत को सही पाया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन मामले की जांच के आदेश देने वाली लेह की जिला चुनाव अधिकारी और उपायुक्त अवनी लवासा ने कहा कि हम इस मामले में पुलिस के जरिए जिला अदालत तक गए। इस मामले में FIR दर्ज कराने के लिए निर्देश मांगे, लेकिन अदालत ने इस मामले में अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। खबरों के मुताबिक अवनी लवासा ने कहा कि ये शिकायत बीजेपी नेताओं द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन ही नहीं बल्कि अपराध भी है। अवनी लवासा 2013 बैच की जम्मू कश्मीर कैंडर की IAS अधिकारी है। वो मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की बेटी है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में लद्दाख सीट पर मतदान हुआ है। अवनी लवासा के मुताबिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि या तो FIR दर्ज करे या तो शिकायत। IAS अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। हम इस मामले में FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। अभी तक 3 शिकायतें आई हैं, एक हमारी तरफ से, बाकी 2 शिकायतें ले प्रेस क्लब ऑफ की तरफ से दर्ज कराई गई है। जम्मू के ले प्रेस क्लब ने बीजेपी पत्रकारों को रिश्वत के तौर पर पैसा बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ले प्रेस क्लब के मुताबिक बीजेपी ने क्लब के सदस्यों को पैसे से भरे लिफाफे की पेशकश कर रिश्वत देने की कोशिश की। ले प्रेस क्लब के इस आरोप के बाद घमासान मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि आरोप राजनीतिक से प्रेरित है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरते हुए चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर पुलिस से इस मामले की छानबीन की मांग की है। ले प्रेस क्लब का पत्र सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने धमकी दी कि यदि प्रेस क्लब सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तो वो मानहानि का मुकदमा दायर करेगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर प्रेस क्लब सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तो इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी गुंडागर्दी किस तरह से कर रही और अपनी सत्ता में रहते हुए पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।